नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति और आज आपके लिए लाई हूं सोनालिका का DI-42 ट्रैक्टर जो कि सिकंदर की श्रेणी में आता है और यह आपको देता है 45 HP तक का पावर। यह आपको हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर मिलता है जो कि आपको बहुत ही अच्छा माइलेज देता है। साथ ही आप देखेंगे कि इसका एग्जॉस्ट बहुत ही ऊपर है जिससे कि ड्राइवर के मुंह पर डायरेक्ट धुआं नहीं आता है। और हम बात करते हैं अगर इसके टायर्स की, तो यहाँ पर आपको आगे का टायर मिलेगा 616 का और अगर पीछे के टायर की बात करते तो पीछे का टायर यहाँ पर आपको मिल रहा है 13628 का, जो कि मड एरिया में भी अगर ट्रैक्टर आपको काफ़ी अच्छा ग्रिपिंग देता है। यह ट्रैक्टर आपको देता है पूरे 1800 kg तक की लिफ्ट कैपेसिटी। साथ ही अगर आप इसका फ्रंट लुक देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रोड्स प्रेजेंस देने वाला यह ट्रैक्टर है। यह आपको बहुत ही शानदार जो कि एक रेक्टेंगल शेप में आपको हेडलैम्प्स दे रखे हैं। सेंटर में आपको सोनालिका की ब्रांडिंग दे रखी है जो कि क्रोम फिनिश्ड है। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही हैवी बम्पर दे रखा है जिससे ये आपके ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छा बैलेंस करेगा। तो इस ट्रैक्टर का बोनट बहुत ही खोलने में आसान है। ये आपको हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ दे रखा है। साथ ही आपको बैटरी इसमें अंदर की तरफ दे रखी है ताकि बैटरी आपकी चोरी नहीं होती है। इंजन की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन दे रखा है जो कि बहुत ही पावरफुल आपको टॉर्क प्रोवाइड करता है। साथ ही फ्यूल पंप यहाँ पर आपको बॉस कंपनी का दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे आपको साइड में तमाम सारे ग्राफिक्स दे रखे हैं जो कि ट्रैक्टर के लुक को तो बढ़ाते ही साथ ही आपको ट्रैक्टर की खासियत भी बताते हैं कि यह ट्रैक्टर कितना पावर प्लस है सिकंदर श्रेणी का और 45 HP का पावर जनरेट करता है। यहाँ पर आपको सिंगल कनेक्ट पावर स्टीयरिंग दे रखा है जो कि ड्राइवर को चलाने में काफ़ी आसान रहता है। और देखेंगे यहाँ पर अगर फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो 55 लीटर तक का आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल रही है। इसमें आप 55 लीटर तक का डीजल आसानी से भरवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर बहुत ही खूबसूरत से दे रखे हैं। और अगर देखें तो ड्राइवर इस ट्रैक्टर में काफ़ी आसानी से चढ़ सकता है क्योंकि इसको चढ़ने के लिए फुटरेस्ट दे रखा है और हैंडल असिस्ट भी दे रखा है। देखिए मैं कितनी आसानी से चढ़ रही हूँ। अब मैं इस ट्रैक्टर पर बैठ गई हूँ। हम बात करते हैं अगर ड्राइवर के कंफर्ट की, तो ड्राइवर की सीटिंग इतनी कंफर्टेबल दे रखी है कि ट्रैक्टर अगर वो बहुत दूर तक भी चलाए, देर तक भी चलाए, तो आसानी से इस ट्रैक्टर को बैठकर चला सकता है क्योंकि उसको बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। साइड में ड्राइवर के साथ साथ दो लोग और बैठ सकते हैं। दोनों लोगों के आसपास बैठने की जगह काफ़ी अच्छी दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे कि ड्राइवर का लेग स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है जिससे उसको पैडल शिफ्टिंग काफ़ी आसान रहेगी। एयर का ऑप्शन साइड में दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे आपको कि पावर स्टीयरिंग 3-स्पोक व्हील मिल रहा है, साथ में सेंटर में नॉब भी मिल रही है जिससे ड्राइवर पकड़ के आसानी से स्टीयरिंग को चला सकता है। यहाँ पर नीचे आपको इंजन स्टॉप का ऑप्शन दे रखा है। साथ यहाँ पर लाइट के तमाम सारे स्विचेस दे रखे हैं, हैंडरेस्ट दे रखा है। सेंटर में देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दे रखा है जिसमें आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आपको फ्यूल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको ऑयल टेम्परेचर मिलेगा, स्पीड मीटर मिलेगा। साथ ही में अगर देखते हैं इस साइड तो यहाँ पर आपको इंजन का टेम्परेचर देखने को मिलेगा और बैटरी का टेम्परेचर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑयल में भीगे हुए ब्रेक्स भी मिलेंगे जिसे अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए ड्राइवर को नीचे उतरना भी कितना आसान है इस फुट रेस्ट के माध्यम से। सोनालिका यह ट्रैक्टर पीछे से भी कितना शानदार लुक आपको इस ट्रैक्टर में देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत से इंडिकेटर्स और टैलेम मिल रहे हैं। सेंटर में देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है। सीट के पीछे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल रहा है जिससे ड्राइवर अपनी पानी की बॉटल यहाँ पर कैरी कर सकता है। साथ ही अगर इसके लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1800 किलो तक की लिफ्ट कैपेसिटी मिल रही है। साथ ही यहाँ पर तमाम सारे कनेक्शंस मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको बैकलाइट मिल रही है और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल रहा है। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस ट्रैक्टर के पूरे खासियत बता दी है। अब हम बात करते हैं इसकी कीमत होगी। वैसे तो ट्रैक्टर की कीमत समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन अगर फिर भी इसकी कीमत की बात करें तो यह ट्रैक्टर लगभग आपको 7 से 8 लाख के बीच में पड़ जाएगा। और फिर आपको जब भी आप खरीदना चाहते हैं तो समय के हिसाब से आपको ऑफर्स मिलेंगे। अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो आज ही आइए रघुवीर एंटरप्राइज पर जो कि इंदौर में राव रोड पर स्थित है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।